फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में जरूर एक बार ट्रेन में सफर किया ही होगा, और तो और आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पर ही सफर किया होगा। I mean, मेरा मतलब है जिस पे सभी लोग सफर करते हैं उसी नॉर्मल ट्रैक्स पर आपने भी सफर किया होगा। लेकिन मैं आज आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स से रूबरू करवाऊंगा, जिसे देखकर आप इन रेलवे ट्रैक्स पर सपने में भी सफर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि इन ट्रैक्स को बनाते समय काफी लोगों की मौत हुई थी, जिससे इनकी आत्माएं आज भी इन ट्रैक्स पर रोती और चिल्लाती है। और तो लास्ट वाले ट्रैक को मिस मत करना, उसे देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, ट्रेन टू डी क्लाउड्स। ये रेलवे ट्रैक्स दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है और ये अर्जेंटीना में मौजूद है। इस रेलवे ट्रैक को 1948 में बनाया गया था और इसे बनने में 27 से 30 सालों का समय लगा था। यह रेलवे ट्रैक 21 टनल और 29 ब्रिज से होकर एंडीज माउंटेन के बीच से गुजरती है और तब जाके यह रेलवे ट्रैक उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना को चीनी देश से जोड़ती है। इस सफर को पूरा होने में 15 घंटे का समय लगता है और इसकी लंबाई 435 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक को जमीन से 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी वजह से इस ट्रैक में सफर करने वाले लोगों की सांसें थम सी जाती है। इतनी ऊंचाई में होने के कारण यहां के रेलवे कर्मचारी हर रोज इस ट्रैक की जांच करते हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इतनी ऊंचाई में होने के कारण ही इसे ट्रेन टू डी क्लाउड्स कहते हैं। नंबर 2, डेविल नोज ट्रेन। 1902 में बना यह रेलवे ट्रैक अपने आप में इतना खास है कि आज के मॉडर्न जमाने के इंजीनियर्स भी इसके सामने हाथ जोड़ते हैं। यह रेलवे ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस ट्रैक को देखते ही लोगों के मनों में यमराज के आने की संभावना सी जग जाती है, क्योंकि इस ट्रैक के एक साइड पहाड़ है तो दूसरी साइड जमीन भी ना दिखने वाली गहरी खाई है। ऐसे में लोग इस ट्रैक पर जाने से भी डरते हैं। आपको बता दूं, जब इस रेलवे ट्रैक का निर्माण का काम चल रहा था तब बहुत से मजदूरों की मौत इस खाई में गिरने की वजह से हुई थी, और तो यह खाई इतनी गहरी है कि आज तक गिरने वालों की बॉडी भी नहीं मिली है। इसलिए इस ट्रैक को शैतान की नाक वाली रेलवे ट्रैक कहा जाता है। नंबर 3, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। इस रेलवे ट्रैक को देखने पर मानो ऐसा लगता है कि यह कोई बच्चों की सवारी के लिए बनाया गया एक रेलवे ट्रैक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी ट्रैक इतनी पतली व मोड़दार है कि मानो ट्रेन आप पटरी से उतरकर सीधे नीचे गिर जाएगी। ट्रेन के लोको पायलट को टर्न लेने के समय ट्रेन को बड़ी धीमी गति से पार कराना पड़ता है, क्योंकि लोको पायलट से एक भी गलती हुई तो ट्रेन सीधे नीचे गिरेगी। इस रेलवे ट्रैक को 1887 में 2 पहाड़ों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस ट्रैक में इतने से हुए कि मजबूरन इस ट्रैक को 1939 में बंद करना पड़ा। लेकिन इस ट्रैक में बहुत से बदलाव के कुछ समय बाद 1984 में इस ट्रैक को वापस फिर से शुरू कर दिया गया। वैसे इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 7 किलोमीटर ही है, लेकिन इस 7 किलोमीटर के सफर में आपके सांसें थम सी जाएगी। नंबर 4, एसो मिनामी रूट। जापान में मौजूद ये रेल रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट में से एक है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन बेहद ही पुराने पतले पुल, जहाँ सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ से ये ट्रेन गुजरती है। आपको बता दें, जब इस पुल से ट्रेन को गुजारा जाता है तब अच्छे अच्छे लोको पायलट के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर लोको पायलट से कोई भी गलती हुई तो ट्रेन सीधे नीचे जंगलों में जा गिरेगी। इसलिए ट्रेन को पुल से पार करते समय ट्रेन की गति को बहुत ही धीमी कर दी जाती है। पर खतरा यही खत्म नहीं होता, आगे जाके इसे एसो मिनामी ज्वालामुखी के पास से गुजरना पड़ता है, जो कि जापान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त सफर कर रहे यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। इस रेल रूट के सफर के दौरान आप इसके ट्रैक्स के पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। भगवान न करे अगर ये ज्वालामुखी फटा तो इन यात्रियों को कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 5, NDNW रेल रूट। तो फ्रेंड्स, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे रूट। इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रूट कितनी खतरनाक है। जहां ट्रेन को चलने के लिए सीधी रेलवे ट्रैक्स की जरूरत होती है, वहीं पर इस रेलवे ट्रैक्स की पटरियां ज्यादातर ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी है। इस वजह से इस रेलवे ट्रैक्स पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे हेवी लोड होने के कारण वे इन ऊंची नीची पटरियों से गुजरते समय वे पलट जाते हैं। लेकिन आखिर इन ट्रैक्स को ठीक क्यों नहीं करवाया जाता, क्योंकि इस ट्रैक का एक हिस्सा जंगल से होके गुजरता है। वहाँ की मिट्टी काफी गीली है, जिसकी वजह से इस ट्रैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन में धस गया है। इस ट्रैक को ठीक करने की बहुत सी कोशिश की गई है, पर जमीन काफी गीली होने के कारण अब तक यह ट्रैक्स ठीक नहीं हो पाई है। इसलिए हादसे को कम करने के लिए यहाँ से गुजरने वाले ट्रेनों को बहुत धीमी गति से पार करना पड़ता है। ये रेलवे रूट अमेरिका में मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जल्दी से हमारे चैनल आई फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें।